अब बनारस हाईलाइट हो गया है, इतने लोग दर्शन करने, पूजा करने, घूमने आ रहे हैं, देश विदेश के लोग आ रहे हैं। अबे धाम हो गया ना, बहुत बड़ा धाम हो गया, विश्वनाथ धाम। शाम को मार्केट चलेगा, सुबह शाम को मार्केट घूमने वाला, यहाँ तो निकलेंगे लोग घूमने के लिए 6 बजे, शाम को निकलेंगे 11-12 बजे। आ रहे हैं मंदिर दर्शन करने वाले, आ रहे हैं। कम हो होंगे ना इस समय गर्मी में? अच्छा भीड़ है। पुलिस भर्ती वाले में सवारी वारी ढोए कि नहीं? 2 दिन तो भर्ती चला है पुलिस वाला। हाँ ये भी सही है, लेकिन ये है कि धीरे धीरे नक्शा बदल जाएगा 10 साल के अंदर। बनारस का जो ढांचा है, हाँ 10 साल का समय है। कोई चीज़ एकाएक नहीं होता है, सही बात है। नहीं हम लोग तो अभी रहेंगे, हम लोग तो विकास देख लेंगे, अब देख रहे हैं हम लोग विकास, देख नहीं रहे विकास? अब हम लोग के सामने ये चालू हो जाएगा 1.5 साल में 2 साल में, क्या बोलते हैं इसको, रोकोगे? एक अजूबा चीज़ देखोगे। अब समझो हिंदुस्तान में शहर के अंदर, सिटी के अंदर ये पहला है रोपवे जो काशी में बन रहा है, इसके बाद शायद इंदौर साइड में बनाने की बात चल रही है। मोनो रेल फेल हुआ ना प्रोजेक्ट यहाँ पे, मिनी रेल वाला, मेट्रो वाला, तो ये रोपवे का प्रोजेक्ट आया, कई 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये, छोटा मोटा प्रोडक्ट नहीं है। सब हो जाएगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। अरे बाबा की नगरी में सब बढ़िया है, बाबा भोले की नगरी है, यहाँ लिट्टी चोखा खा के अपना घूमो आराम से, दर्शन करो, गंगा नहाओ। ठीक है, अभी शहर ठीक है, सस्ता है, नहीं और जगह महंगाई सबसे बढ़िया है घूमने वालों के लिए, तो प्रेफर करते हैं कि घूमने के लिए काशी अच्छा है।